एवरीवन अस्सलामु अलैकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नौ जगबरी छोटी सी दुनिया में। आज हमारे साथ में बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा है। आप लोग देख रहे हो जोहान मेरे हाथ में और निदा नहीं है मेरे पीछे, क्योंकि गाइस निदा की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब मुझे इतना डर लग रहा है कि जोहान की देखभाल कैसे होगी, क्योंकि निदा ही पूरा करती है। जोहान का टॉयलेट साफ करना, खाना बनाना, खाना पिलाना, दूध पिलाना, उसको पूरा उसको नहलाना धोना मालिश करना, और अब गाइस निदा के साथ में ऐसा हो गया है। तो अभी हम लोग सोच रहे कि क्या करें, बॉम्बे चले जाए मम्मी लोग के पास, कि यहीं पर रुक के देखें निदा की तबियत ठीक होती है कि नहीं होती है। जैसे कल रात में निदा की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि कल उसने नहाते साथ गीले गीले बालों में उसने स्कार्फ पहन ली थी और उसकी वजह से उसको हेडेक इतना हो गया ना गाइस कि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो मैं आप लोगों को निदा से मिलाता हूं। तो गाइस ये देखो निदा कैसा लग रहा है अभी, नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी। कितनी बुखार है? 102। तो गाइस मैं कुछ काम से बाहर गया था और बाहर जाते मैं निदा का फोन नहीं उठा पाया। निदा ने कंटिन्यूसली मुझे 3 कॉल करी, मैं 3 कॉल नहीं उठा पाया उसके। तो इतने में निदा ने मुझे व्हाट्सएप पे देखो गाइस ये देखो इधर देखो इसको छोड़ा, थोड़ी देर के लिए कूदम गादी मचा दिया इसने। जोहान रुक ना बेटा, वीडियो बना रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा। हाँ कसम गाइस मैं कैसा संभालूंगा यार इसको, मेरी तो मेरे तो अभी से सोच सोच के डर लग रहा है। देखो क्या कर रहा है ये जोहान, 2 मिनट रुक जा मेरा बच्चा, 2 मिनट। निदा तुम भी क्यों बीमार हुए भाई, अपन अकेले रहते हैं निदा तुम। कसम शॉर्ट हो गए, तो ये देखो कैसा देख रहा है। तो गाइस ये देखो निदा ने क्या करी मालूम, मैं जो है ना निदा ने वीडियो भेजी बना के, देखो 102 बुखार थी निदा को, थर्मामीटर पूरा लाल हो गया, जो कि ये वाला है मीटर, ये देखो मेरा 94 है। आज मेरा इम्तिहान का दिन है, एक बाप होने के नाते मैं बच्चे को संभाल पाता हूँ कि नहीं संभाल पाता हूँ। देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया जोहान, मेरा बच्चा गिर जाएगा बाहर, तू क्यों कर रहा है ऐसा, चला मेरे गोद में आ जा। लॉन्ड्री वाला भी आ चुका है, लाओ भाई लाओ, यहाँ पे लॉन्ड्री भी मुझे लेनी पड़ेगी और जोहान को भी मुझे ही संभालना। यार दो भाई यार कितना हुआ बीमारी के अंदर है ना गाइस, 2 इशू हो गए। इशू नंबर 1 के निदा को जो है वो ठंडी लग रही है, तो हम लोग एसी नहीं चालू कर सकते। इशू नंबर 2 ये है गाइस कि जोहान को गर्मी जमती नहीं है, जोहान को चाहिए एसी। अब माँ का ध्यान रखे कि बच्चे का ध्यान रखे, क्या बताओ। देखो ये फोन पे बात पति आ रही है यहाँ पर। Yes, ये तो रुकने को तैयार नहीं है, कुछ ना कुछ खा रहा है भाई, अपनी माँ के पास ही जाने को चाहिए इसको। जोहान क्या हो गया बाबू आपको, आज अपन दोनों को व्लॉग बनाना है जोहान, और आप इतनी मस्ती कर रहे हो मेरे साथ में, क्यों कर रहे हो ऐसा बताओ, गुस्से में क्यों देख रहे हो। अभी जोहान और मुझे भूख लग गई है, तो हम लोग किचन में जा रहे हैं देखने ना। जोहान किचन में जाएंगे ना अपन देखने के लिए क्या बना है खाना। तुमको भूख लगी है जोहान, इधर देखो, इधर इधर जोहान, भूख लगी है। हाँ बोला गाइस, देखो अब खाने में क्या क्या है यहाँ पे। जोहान देखो खाने में क्या है, खाने में है हमारे पास, ओहो दाल है, ओहो पानी, पानी कौन खाता है, मेरे कहते इसमें खिचड़ी है, तो दाल खिचड़ी हमारे पास है। तो अभी मुझे लगता है कि हम लोगों को खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए जोहान, क्योंकि खाना हमारे पास दाल चावल है, हमारे पास चिकन नहीं है। तो लेट्स ऑर्डर चिकन एंड वी विल ईट व्हाट, दाल चावल चिकन। इसकी माँ बाप बैठ के बातें कर रही है और ये मेरा जीना आराम कर रहा है। जोहान छोड़ दे मेरे बाल, छोड़ दे मेरे बाल ठाकुर, अबे छोड़ दे टकले, तेरी भैंस का अंडा मारू। देख कैमरे में, देख कितना खूबसूरत दिख रहा है तू, देख हंस हंस जल्दी, हंस जल्दी। एक्टर है गाइस, देखो कैमरे आते हैं, इसने छोड़ दिया, चुपचाप बैठ गया यार, कितना सीधा बैठ गया ये तो। अस्सलाम वालेकुम, अरे क्या एक्टर पैदा हुआ, ये क्या हुआ, बाल खींच रहा था कैमरा चालू का, शांत बैठ गया, हिलना अभी अभी। फाइनली हमारा खाना आ चुका है और जोहान मेरे गोद में बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, मत कर जोहान मेरे को खाना निकालने का यार, कैसा कैसा पकड़ के तेरे साथ में काम करो मेरे को मालूम है। फटाफट गाइस दाल को गरम करते हैं और आज डैडा और जोहान मम्मी को खाना खिलाएंगे, है ना। जोहान मम्मी की तबीयत खराब है ना, मम्मी को अपना ध्यान रखना है बेबी, है ना। सॉरी बेटा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुमको यही छोड़ने के अलावा, तुम यहाँ खेलो ठीक है, यहाँ नहीं, अंदर नहीं, बाहर बाहर जाओ। अरे अरे माँ सब गिरा दे रहे, बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, बाहर मम्मा को देखो बाहर से, चलो बाहर जाओ पलट के, चलो। अरे वहाँ वहाँ इधर इधर मत देखो, डेटा जा रहे ना अंदर, चलो काम करो, भाग गया मम्मी के पास जा रहा है, आ जा मम्मी को उठाओ, मम्मी को उठाओ, बोलना खाना रेडी है, जल्दी जाओ, चलो फटाफट एकदम हंसो। गाइस मैंने खाना निकाल लिया हूँ, दाल चावल और यहाँ पे हम लोगों ने पनीर मंगाया, क्योंकि पनीर बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ में हम लोग को, तो लेके चलते हैं। जोहान बाबू कहाँ है, अरे जोहान तो यहीं पर ही है, जोहान वही जोहान, चलो हटो हटो, मम्मा को खाना देना, चलो हटो। चलो योर फूड इज योर, है ना, आज तो तुम यहीं पर खाओ, बाहर डाइनिंग टेबल में मत खाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत नहीं है जरा भी उठने की। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ओके। कैसा लग रहा है अभी, ये अच्छा लग रहा है, खाना खा लो फिर अपन, तो अपन दवा लेने चलते हैं फटा, तुमको सर्दी बुखार दोनों हो गया मेरे को लग रहा है। तुमको भी खाना है, हाँ नहीं खाना है, खाना खाया इसने, तुम खिला दिए थे जब मैं बाहर गया था, चलो अल्लाह का शुक्र है मील तो खा के बैठा है, अभी खाएगा ना एक घंटे में,
7:30-8:30 इट्स नॉट इजी कि आप बच्चा भी संभालो अपनी हेल्थ भी देखो। मैं तो उन लड़कियों को सल्यूट करता हूँ गाइस जिनके हस्बैंड्स काम पे जाते हैं और माँ घर पे अकेले बच्चे को संभालती है और मतलब बीमार हो या कुछ भी हो माँ को संभालना ही पड़ता है क्योंकि आदमी को भी जॉब करना है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों साथ में जॉब करते तो हम दोनों साथ में जॉब की छुट्टी भी कर सकते हैं और हम साथ में जॉब पे जा भी सकते हैं। एक बेनिफिट हम लोगों को ये है कि मैं साथ में रहता हूँ निदा के तो हम दोनों काम बांट लेते हैं आपस में। बट गाइस जो औरतें जो माएं जो बहनें जो बीवियां ये करती है सल्यूट है गाइस सल्यूट है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसे कौन है आपके घर में या आप खुद हो क्या। आप अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करना हम लोगों से कि आपको क्या क्या तकलीफें होती है या गाइस अगर आपके घर में कोई है जो ये चीज करता हो तो उसके बारे में भी आप लोग स्टोरी जरूर बताना गाइस ठीक है। कॉमेंट जरूर करना जोहान क्या खाया करे सीधा भाई सीधा भाई हो गया चलो हो गया हो गया हो गया हो गया चलो तेल 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 ये लो पहले तेल मत लगाओ पहले पैम्पर नीचे बिछाओ हो गया चलो एलो 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मम्मा है ना मम्मा है ब्लॉग चालू तो शांत हो गया। हाँ ब्लॉग है तो शांत हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम फूक रहा जल रहा है ना नीचे ठंडा 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 कोल कोल ठंडा आखिर बीमार माँ को उठना ही पड़ा अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए क्योंकि माँ को ही पता है कि बच्चे को कब क्या तकलीफ हो रही है। अब जोहान को हो गए हैं रैशेस गाइस अभी शांत हुआ थोड़ा सी मम्मी ने उस पर ध्यान दी तो मम्मा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे जोहान लेके जाएंगे मम्मा को डॉक्टर के पास जल्दी बोलो। हाँ देखो तुमको देख रहा है प्यार से एकदम बोले मम्मा को लेके जाएंगे चलो तो गाइस हमारा तो खाना हो चुका है और जोहान मान मान करके सो गया बट अभी वो उठेगा थोड़ी देर में तो उसके लिए खाना बना के रेडी रखना पड़ेगा वरना वो उठ के ऐसी बुमा बुम करेगा ना गाइस के मतलब भर सर पे उठा लेगा। तो निदा ने मुझे समझाया कि जोहान का खाना कैसे बनाना है। इसमें जोहान की खिचड़ी पड़ी है बोली कि इसमें से निकालना है और इसको धो के इसके अंदर डालना है और इसके अंदर मिक्स करना है थोड़ा पानी डाल के। लेट्स सी अब कैसा बनता है मैं पहली बार बनाने जा रहा हूँ गाइस। तो गाइस जोहान ने खाना वगैरह खा चुका है और अभी हम लोग निकल गए हैं निदा की दवा लेने के लिए क्योंकि गाइस उसको बुखार चढ़ रही उतर रही है कभी 104 जा रही है कभी 99 हो जा रही है कभी 101 102 ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम लोग बोले क्यों ना बेटर वही रहेगा जोहान को लेके जाके फटाफट दवा लेंगे दे डॉक्टर दे दवा लिख के दे देगा तो एटलीस्ट तुम्हारे को आराम हो जाएगा वरना फिर बुखार चढ़ती उतरती रहेगी रोज टाइम पे जोहान को खेलने को चाहिएगा कितना कूद रहा निदा के ऊपर बीमार है फिर भी कूद ही जा रहा है उसको थोड़ी समझ में आ रहा है कितना खुश है तुम्हारे गोद में आके। हम लोगों ने निदा की दवा ले लिए है और दवा लेके हम लोग निकले निदा की हालत और खराब होते जा रही है थोड़ा बाहर निकली है तो बड़ा अच्छा हुआ अल्लाह का शुक्र है कि दवा ले लिया हम लोगों ने हालत बहुत ज्यादा खराब है हम दोनों अकेले। मैं कल ही इस चीज के बारे में बात कर रहा था कि हम लोग दोनों अकेले हम लोगों को थोड़ा भारी पड़ रहा है और आज देखो गाइस लिटरली मतलब ऐसा हो गया ना कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अभी यहाँ तो यहाँ रुको या तो बॉम्बे चले जाओ बस दुआ करो गाइस सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। तो गाइस निदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी हम लोग घर पहुंचे वैसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी सामने दिख रहा है कपड़ा वो भी उठा के निकल जाते हैं बॉम्बे क्योंकि वहाँ पे गाइस एटलीस्ट जोहान को संभालने के लिए कोई रहेगा तो हम निदा पे ध्यान दे सकते हैं वरना यहाँ पे तो दोनों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अभी वो सो रही है हम लोगों ने कैब बुक की है अभी जा रहे घर पे निदा को छोड़ता हूँ मैं और फिर मैं वापस आऊंगा नवी मुंबई कार लेने के लिए और थोड़ा वो सामान लेने के लिए जो भी बचा कुचा है लेट्स सी घर पे जाके क्या होता है। तो गाइस जैसा जैसा हम लोग पहुँच गए रास्ते में बारिश हो गई थी थोड़ा हल्का हल्का भीग गए हम लोग। आ रही है निदा कहाँ गई अरे बेटा यही हो तुम अब पापा इधर पहुंच गए आ जाओ हाथ दो मैं तो खींचा ही नहीं अरे मैं खींचा ही नहीं उसको अरे हम अरे तो कैसा होगा गाड़ी में पकड़ ही नहीं पा रही थी सुहान को पूरा रास्ता मैं पकड़ के लाया होगा दवा नहीं पिलाया क्योंकि इसको है ना दवा पीने से रैशेज होते हैं अब पता नहीं कौन सी दवा से रैशेज होते हम लोग को मालूम इसके लिए मतलब मत पी दवा अभी अरे तो उसको इसकी दवा से भी होता है ना दवा से उसको रैशेज हो जाते हैं ना वो रिएक्शन अरे लेकिन कौन सा रिएक्शन होता है हम लोग को भी नहीं मालूम है ना वो हाँ तो वो ही नहीं मालूम ना किससे एलर्जी है अरे लेकिन किससे अरे यार वही बोल रहा रिएक्शन किससे होता है हम लोग को मालूम ही नहीं है
उसको रिएक्शन अगर होगा तो फिर जोहान को लेकर गोद में बैठ भी नहीं पाएगी, पूरे आंखों पे पेट वेट पे सब पे आ जाएगा। उसको ढूंढना अभी अभी रिएक्शन जब होगा ना तब मालूम पड़ा कौन सी दवा से रिएक्शन हुआ है। अब रिएक्शन रिएक्शन की आएगा क्या? तो पूछो, आएगा तो लेकर आ जाओ ना भाई। भाई में मैं कुछ नहीं बता पाया आप लोगों को कि हम लोग कैसा निकले, क्या किए हम लोगों को और क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग जब दवा लेके आए तब निधा और मैंने बात की है कि निधा तुमको रिएक्शन होता है वो कौन सी दवा से होता है। निधा बोली मुझे नहीं पता। मैं बोला यहाँ से अभी लास्ट टाइम हम दवा लेते तुमको रिएक्शन हुआ, तो उसने बोली हाँ हुआ था नहीं हुआ था याद नहीं है। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, दवा खाए कि नहीं खाए। दवा खाने के बाद अगर प्रॉब्लम हो गई और वो रैशेस अगर निधा को उठ गया जो पेट पे आता है और आंखों पे आता है, आप लोगों ने शायद पिछले ब्लॉग में देखे रहोगे, तो वो चीज की वजह से निधा बैठ भी नहीं पाएगी, तो जोहान को दूध नहीं पिला सकती है, जोहान को लेके बैठ नहीं सकती, तो और बड़ा इशू हो जाएगा। तो हम लोग बोले चलो बॉम्बे चले जाते। अब बॉम्बे आने के लिए भी हम लोग कंफ्यूज थे कि बॉम्बे हम लोग मम्मी के यहाँ जाए कि इसकी मम्मी कहते हैं कि मेरी मम्मी की तबियत खराब थी, उनको माइग्रेन हो गया था। माइग्रेन की वजह से मम्मी को भी वॉमिटिंग हो रही थी, सर दुख रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर घर में फातिमा जो उसकी तबियत खराब थी, फिर शायद नौशीन की भी तबियत खराब थी। तो हम लोग इसी घर पे आए, मम्मी बोले मेरी तबियत अभी सही है तो फिर अभी यहाँ पे निधा को रखेंगे। और नौशीन और दानिश गए निधा के लिए अभी दवा लेने के लिए, क्रोसिन दवा ले रहे निधा के लिए, क्योंकि थोड़ा डॉक्टर ने बोला है क्रोसिन खिला उसको थोड़ा आराम होगा। फिर डॉक्टर घर पे आएंगे, निधा को फिर चेकअप करेंगे और उनको बताएंगे रिएक्शन क्या है, कि वहाँ पे बताना हम लोग भूल गए थे। अब यहाँ पे फिर हम रिएक्शन लेस दवा लेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जल्दी, निधा टेंशन मत लो। उसका बता दो, चलो ब्लॉग नहीं लूंगा अभी। हम लोगों ने खाना वगैरह खा चुके हैं और अभी डॉक्टर का फोन आया कि मैं नीचे पहुंच चुका हूं। तो यहां पे निधा भी उठ के बैठ के रेडी हो चुकी है कि भाई फटाफट डॉक्टर आए तो चेकअप करवाइए ना। चलो बस दुआ करो कि दवा से तुम आज रात ही ठीक हो जाओ, वरना जबरदस्ती भारी पड़ जाएगा अपने को। एलर्जी की मिला के मुझे जल्दी ना पड़ते हैं, पूरा यहाँ से काला काला होता है यहाँ पे और इधर होंठ पे भी होता है और इधर भी पेट में भी होता है, पूरा चमड़ी काली जल जाती है, अंगार होती है उनको। ज्यादा करके सल्फा से होता है, सल्फा से डॉक्सी से सब चीजें, उनको वही नहीं मालूम कौन सी दवा से होता है। ये भी टाइम हो गया, 6 महीना प्रेगनेंसी में खाया था हुआ था और मलेरिया का टेस्ट अभी कर लिया, अभी ले रहा हूँ मलेरिया। 6 बजे रिपोर्ट भी आ जाए तो फंड मिल जाएगी। मालूम पड़ गया आपको, चलो हो जाएगा फटफट, नहीं मालूम पड़ेगा। अरे मेरे तो दादा आने के तो मालूम पड़ेगा। हेलो पूरा हो भी गया, माँ को देख के रो रहा, देखो बच्चा देखो ना, कहा हुआ बच्चा कहा हुआ, हो गया आज पहली बार निधा रोई में। अब वक्त आ चुका है व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। निधा को मलेरिया हुआ है कि नहीं है वो तो अब हमें सुबह ही पता चलेगा, वैसे टेस्ट तो करके गए उसका, बट वी होप कि मलेरिया ना हो निधा को इंशाल्लाह, है ना। और यहाँ पे गए देखो आज बहुत भीड़ है घर में, सब कहीं कहीं कुछ ना कुछ सोने वाले गाइस, और हमारा क्या, हम तो बेडरूम में सोने वाले। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।